हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी भी उससे ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने पास इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में। यानी आज मैं आपको कंप्लीट डिस्कशन बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट मॉडल का मतलब क्या होता है, और इसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और विश्वास मानो, मैं उसकी पूरी हिस्ट्री ऐसी बनाने वाला हूँ ना कि आपको ज़िंदगी में भूलने की हैबिट ही नहीं लगेगी, मतलब दिमाग में छप जाएगा। बस आप वीडियो को टिल एंड तक देखना। तो चलो, आज वैसे आप जानते हो हम चैप्टर नंबर 5 प्लानिंग इन इंडिया कर रहे हैं, हम रमेश सिंह की बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल की। अब इन्वेस्टमेंट मॉडल में क्या है हमारे पास, टॉपिक निकालते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल। चलो, लास्ट क्लास हम ये सब कुछ पढ़ चुके थे, इन्वेस्टमेंट मॉडल पर आते हैं, ये रहा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपका एक बेस बनाऊंगा, क्योंकि बेस बनाने के बाद आपको जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलो बेस पर आओ। इधर एक काम करता हूँ, बुक को अभी थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, जिससे कि मैं लिखते टाइम आपको सिर्फ यही चीज़ नज़र आए। आओ देखो, सुनो, देखो ये बताओ, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था। सर, हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर। बिल्कुल सही कहा। जब हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, उस टाइम हमने ये देखा कि हमारी जो हालत है वो क्या है। तो हमने देखा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर वो तो वैसे भी बेकार था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वो पूरा चौपट हो चुका है, बात करें फॉरेन ट्रेड की वो भी पूरा निपट चुका है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल पिक्चर में लिटरेसी रेट की बात करें, पढ़े लिखों की संख्या बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट करें, सारी चीज़ें बेकार हो चुकी हैं। मतलब कुल मिला के 1947 में अंग्रेजों की जाने के बाद हमें विरासत में सिर्फ और सिर्फ ब्लैकनेस मिली और कुछ भी नहीं मिली। ब्लैकनेस मतलब सारा अंधकूप मिला, बाकी कहीं से भी रोशनी की कोई उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आई। कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ। तब हमारे देश ने सोचा कि भाई अब इसको दोबारा से पटरियों पर लाने के लिए क्या करें। तो 3 साल तक हमने सोचा, बाद में आके 1950 में हमने एक कमीशन बनाया और उसका नाम है प्लानिंग कमीशन। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इस पूरे चैप्टर में प्लानिंग कमीशन का नाम कई बार जिक्र हुआ। बेटा, प्लानिंग कमीशन वाकई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर, इसलिए हमें हर बार प्लानिंग कमीशन को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया, जो कि बेस्ड था पूरी सेंट्रलाइज प्रोसेस पर। मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरा रोल प्ले करता था, स्टेट गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती थी। बट जब स्टेट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की बात की गई, तो नेहरू जी ने 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जब बनाया गया था, तो इसका बेसिक मोटिव यही था जैसा प्लानिंग कमीशन का। बस इसमें एक डिफरेंट चीज़ ये थी कि इसमें सेंट्रलाइज प्रोसेस तो होगी ही होगी, और साथ में इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होगा, क्योंकि पॉलिसीज बनाते टाइम स्टेट्स का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों पॉलिसीज के तहत हमने कहीं ना कहीं कई सारे प्लान्स बनाने की कोशिश की, और हमने ये देखा कुल मिला के कि भाई अब हमारी इंडिया को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, दोनों कमीशनों ने, मतलब चाहे प्लानिंग कमीशन हो या नेशनल डेवलपमेंट कमीशन हो, दोनों ने एक चीज़ निकाली, दैट इज इन्वेस्टमेंट। कि भाई ऐसा है, अगर हमें इंडिया को दोबारा से पटरियों पे लाना है तो इन्वेस्टमेंट के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट के लेवल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बार बार कई सारी स्कीम्स लॉन्च की। हमने पढ़ाने के मकसद से इसको ब्रॉडली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। मतलब एक तरह से हमने ईरा में डिवाइड किया। ईरा का मतलब होता है कि इतने से इतने तक ये इन्वेस्टमेंट हुई, इतने से इतने तक ये इन्वेस्टमेंट हुई, तो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं फेज़ 1। फेज़ 1 में कौन से साल आते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे 1950 में हमने ये स्टार्ट किया था, तो 1951 में जब पहला 5-ईयर प्लान आया था, तब से लेकर 69 यानी लगभग 2 डिकेड्स समझ लो फेज़ 1 के अंदर काउंट होंगे। फिर हम पढ़ेंगे फेज़ 2 में हमने कैसी इन्वेस्टमेंट की। फेज़ 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 साल आएंगे, 1970 से लेकर 1973। ये 3 साल का एक फेज़ अलग था इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया को लेकर, क्या था बताऊंगा मैं अभी आपको। फिर हम बात करेंगे फेज़ 3 की। फेज़ 3 के अंदर हम क्या करेंगे, 1974 से लेकर 1990 तक के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जब LPG का रिफॉर्म आया 1991 में, उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट का सिलसिला ही बिल्कुल अलग हो गया। वैसे आज की क्लास में मैं आपको ये 3 फेज पढ़ाऊंगा, 1, 2 और 3। इसके लिए भाई PPP पढ़ाना पड़ेगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट। ये आज की क्लास में कवर नहीं करेंगे, आज की क्लास में हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। बड़ा ही इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, कि इसके रीजन क्या थे वो सब चीजें। बात करते हैं फेज़ 1 में जब हमने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज स्टार्ट की, तो हमने ये देखा कि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमने ये देखा कि जो हमारी हमारे ऊपर डिपेंडेंसी के पीछे का सबसे बड़ा राज क्या है। तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारे यहाँ पर आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी FDI के थ्रू, यानी बाहर की इन्वेस्टमेंट थी जो इंडिया में आई, फिर उसने ब्रिटेन की पार्लियामेंट के थ्रू हमारे इंडिया पर रूल करना शुरू किया। ओवरऑल हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर,
कि कहीं ऐसा ना हो कोई फॉरनर दोबारा आए और हमारी इन्वेस्टमेंट करके हम ही को लूट के चले जाए। तो हमने कान पकड़ लिए जब देश आज़ाद हुआ, और उसके जब पहला फेज़ आया इन्वेस्टमेंट का, हमने कहा नो FDI, कोई FDI नहीं होगी, हमें बाहर से पैसा चाहिए नहीं, हम अपने देश का पैसा खुद लगाएंगे, हमें बाहर से पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें पूरा पूरी बागडोर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संभाली, मतलब हम नहीं चाहते थे कि किसी और को बागडोर देना, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा इस पर कंट्रोल किया। और सबसे ज़्यादा जो इसमें फोकस किया गया वो किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मतलब जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक रोड हो गया, कम्युनिकेशन के साधन हो गए, आपके ट्रांसपोर्ट के साधन हो गए, उन पे फोकस किया गया। और प्लस हमने फोकस किया इसमें साथ के साथ सोशल सेक्टर्स पे, सोशल सेक्टर मतलब जैसे आपकी एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, इन सब पे भी हमने फोकस किया। तो पहली इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सोशल सेक्टर पे, जिससे क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंसेस होने शुरू हुए। मतलब ये नहीं कहूँगा कि हाँ मेजरली हमें इसे सक्सेस मिली, नहीं, बट हाँ थोड़ी सी सक्सेस एक उम्मीद की किरण इससे नज़र आई और हमने देखा कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छी है। जब गवर्नमेंट को लगा कि जब हमने इंटरवीन किया पूरी तरह से, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा 100% कंट्रोल था, तो देखो चीजें सुधर रही हैं। तब से एक कॉन्सेप्ट चलना शुरू हुआ, दैट इज द टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब आप में से कमेंट करके वीडियो पॉज करो जिन्होंने हमारी सारी की सारी क्लासेस अभी देखी ना, क्योंकि हम प्लेलिस्ट बना रहे रमेश सिंह की पूरी, इसमें आपके 21 चैप्टर में पूरे करूंगा। जिन्होंने भी हमारी सारी क्लासेस देखी वो अच्छे से जानते होंगे टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं। मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, मैं देखता हूं कौन कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। तो मैं बता दूं मॉडर्न ऑफ टेंपल इंडिया, टेंपल इंडिया को बोलते हैं PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तब गवर्नमेंट ने देखा कि हाँ उनके इंटरवेंशन से चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो गवर्नमेंट ने PSUs खोलने शुरू किए। PSUs वो यूनिट होती हैं जिन जगहों पर प्राइवेट सेक्टर जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं होता, तो गवर्नमेंट का ऐसी जगहों पर 100% स्टेक ऑनरशिप हम खुद की रखेंगे और हम उन सेक्टर्स पे काम करेंगे, जिसको हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, PSUs बोलते हैं। तो फर्स्ट फेज में हमारी इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया ये रहा। पहले बताओ आपको ये चीज़ समझिए, फर्स्ट फेज एक बार मैं आपको फर्स्ट फेज बुक से रीडिंग लगवा दूँ, देखो बेस बना दिया, आप बुक से रीडिंग लगा दें, फिर मैं फेज टू पढ़ता बताऊंगा, फिर उसकी बुक से रीडिंग लगाऊंगा। चलो फेज वन को देखते हैं। ये देखो अब आपको फेज वन देखना कितनी आसानी से समझ आएगा। फेज वन जो कि 1951 से 69 की ओर चला, ये एरा कहता है कि यहाँ पर स्टेट, स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत ही डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल रोल प्ले किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों का यूटिलाइजेशन खुद से करना शुरू किया। इंटरनल मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरीके गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथों में ले लिया, यानी प्राइवेट सेक्टर को इसने कुछ भी नहीं दिया। और इनके जो मेन एरिया थे जहाँ पर इन्होंने अपने रिसोर्स को मोबिलाइज किया वो कौन से थे, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल। मैंने आपको बताया ना इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड्स हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गए, विलेज की कंस्ट्रक्शन हो गई, डैम्स हो गए, आपके कम्युनिकेशन के साधन हो गए, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। सोशल सेक्टर में आपके स्कूल्स आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आ गई, ये सब आ गए। तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस किया और इस पूरे सेगमेंट के अंदर उन्होंने अपनी टैक्सेशन सिस्टम को सुधारा, फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस किए ताकि इकोनॉमी को रेगुलेट करना ईजी हो जाए और गवर्नमेंट को मैक्सिमम फंड क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए। अब इस फेज के अंदर क्या देखा गया, बहुत सारे मिसमैच देखे गए। मिसमैच क्यों देखे गए, क्योंकि हमने नई नई पॉलिसी चलाई तो हम भी उतने ज़्यादा जो है इसको लेकर फैमिलियर नहीं रहे, तो हाँ थोड़ी बहुत देखो प्रॉब्लम आई, बिल्कुल आई। बट लास्ट में यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PSUs को मॉडर्न ऑफ इंडिया टेम्पल के रूप में घोषित किया, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया मतलब ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित हुए PSUs, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि जब हमारा इंटरवेंशन हुआ तो चीज़ें सुधरती हुई नजर आ रही थी। नो डाउट मिसमैच हुए, बट उतने मिसमैच नहीं जितने हमारे एक्सपेक्टेड थे, ठीक है। तो फेज वन आपको क्लियर हो गया, चलो फेज वन देखो क्लियर हो गया ना, मैंने अभी आपको शॉर्ट में पढ़ाया तो देखो उससे ये लाइनें कितनी आपको इजी लगने लगी। अब मैं आपको फेज टू के बारे में बताता हूँ, चलो फेज टू का डिस्कस करते हैं। फेज टू में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि जब हमने फेज वन में पूरा इंटरवेंशन अपने पास लिया, स्टिल कुछ ना कुछ मिसमैच हो रहे हैं। मिसमैच का मतलब है कि कहीं ना कहीं घपलेबाजी हो रही है फिर भी, तो अब जरूरत थी फेज टू में हम प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा इंटरव्यू करें, मतलब हम चाहते थे अब प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा सा इसके अंदर आए। तो फेज टू में हमने क्या किया, मैं आपको बता दूं, हमने थ्री फोल्ड पॉलिसी चलाई, मैं फिर से रिपीट कर दूं, थ्री फोल्ड पॉलिसी इसके अंदर चलाई। थ्री फोल्ड पॉलिसी के तहत हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक को नाम रखा शेड्यूल ए कंपनियां, एक को नाम रखा शेड्यूल बी कंपनी और एक को नाम रखा शेड्यूल सी कंपनी। शेड्यूल ए में वो कंपनियां आती हैं, हमने क्या किया फेज टू के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की तो हमने शेड्यूल ए के अंदर वो कंपनियां रखी जिसमें
गवर्नमेंट का अंडरटेकन होगा और ऐसी सिर्फ 17 इंडस्ट्रीज थी, मतलब इन 17 इंडस्ट्रीज के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट इंटरव्यू करेगी और कोई भी नहीं करेगा। मैं बता दूं वो 17 इंडस्ट्रीज में कौन कौन से नाम थे, जैसे आर्म्स यानी बंदूकें बनाने वाली, एटॉमिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज, कोर इंडस्ट्रीज, इन सब के ऊपर बागडोर किसने ले ली, गवर्नमेंट ने ले ली। कुल मिला के 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट ने कह दिया इस पर सिर्फ हमारा राज चलेगा। इसके बाद क्या हुआ, शेड्यूल बी में उन कंपनियों को कवर किया गया जो टोटल 12 इंडस्ट्रीज हैं। इन 12 इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर इस पर क्या करेंगे, राज करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर आपकी एल्यूमिनियम हो गया, माइनिंग हो गया, मशीनरी टूल्स हो गई, फर्टिलाइजर्स की कंपनी होगी उसमें। और शेड्यूल सी में एक्सक्लूसिवली उन इंडस्ट्रीज को रखा गया जो इन दोनों में कवर नहीं होते, और इस पर पूरा कंट्रोल किसका होगा, प्राइवेट सेक्टर का। देखो अब ज्यादा इंडस्ट्रीज तो बची नहीं ना शेड्यूल सी में, तो अल्टीमेटली आपने एक चीज नोटिस की, फेज वन में जहां गवर्नमेंट ने अपना पूरा कंट्रोल रखा था, फेज टू के अंदर तो आके थोड़े से वो लीनियंट हो गए, कहीं ना कहीं उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को रोल अदा करने की कोशिश की, और उन्होंने साथ के साथ प्राइवेट ऑनरशिप को भी क्या दी, एक पॉजिटिव साइन दिया कि तुम भी आके हमारे साथ तो क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। भाई जब प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की ना, तो ये पाया कि गवर्नमेंट तो सही से काम ही नहीं कर पा रही थी। देखो प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है, वो पैसों से पैसा बनाना अच्छे से जानते हैं। तो फिर गवर्नमेंट का अच्छा है, ऐसी बात है प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा वर्क कर रहा है, तो एक काम करते हैं कि जो ये 17 इंडस्ट्रीज हैं इनको अब हम कम कर देते हैं, इनको कम करके हम क्या कर देंगे, और बाद में 13 कंपनियां कर दी गई, और बाकी किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी। मतलब कुल मिला के आप फेज टू में देख सकते हो इन 3 सालों के अंदर गवर्नमेंट ने अपना स्टेक या जो अपना कंट्रोल है वो धीरे धीरे करके क्या शुरू किया, कम करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि पॉजिटिव साइन आ रहा है जब हमने चीजों को थोड़ा सा प्राइवेटाइज किया। मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली प्राइवेटाइज, थोड़ा सा प्राइवेटाइज किया तो चीजें हमें सुधरती हुई नजर आई। तो चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा रीडिंग लगाते हैं तो आपको चीजें समझ आ जाएंगे। देखो फेज टू के बारे में बात करते हैं जो कि 1970 से 73 तक चला। इसमें बोला गया हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इन्हांस किया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब जो हमारी पहले एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी, हमने उसको इंडस्ट्रियल इकॉनमी, मेन प्राइम फोर्स किसको बना दिया, इंडस्ट्रियल को बना दिया 1970 के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसके अंदर प्राइवेट कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि हाँ आप भी अपनी इसमें कैपिटल शामिल कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं, एक थोड़ी सी ओपनिंग दी है, ये नहीं कि आप पूरा आके कंप्लीटली 100% अपनी स्टेक ले लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और उन्होंने किस पर फोकस किया, ज्वाइंट सेक्टर पे, ज्वाइंट मतलब हम और आप मिलकर काम करते हैं, इस पर उन्होंने क्या किया, फोकस किया, जिसमें सेंट्रल स्टेट और प्राइवेट सेक्टर, सेंट्रल स्टेट मतलब समझ लो ये गवर्नमेंट की दोनों यूनिट है और ये आगे प्राइवेट सेक्टर, दोनों ने मिलकर काम करने की यहां पर कोशिश की। बट दिक्कत क्या हुई वो सुनो, ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल रीजंस, देखो टेक्निकल रीजंस क्या हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास अच्छी अच्छी मशीनरीज थी, उनके पास नई नई टेक्नोलॉजीज थी, बट गवर्नमेंट के पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं थी, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा भी नहीं था, जबकि प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा था। मतलब देखा गया कि कुछ टेक्निकल रीजंस, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल यानी पैसा हो गया, उन रीजंस की वजह से गवर्नमेंट को थोड़ा सा पीछे होना पड़ा, गवर्नमेंट ने उस जगह से अपने आप को क्विट कर लिया और किसको मौका दिया, प्राइवेट सेक्टर को, मतलब कंप्लीटली कंट्रोल किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली दे दिया, गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इंटरवेंशन उसमें बना रहता था, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली पावर क्रिएट करे, गवर्नमेंट चाहती थी कि वो अपनी मोनोपोली पावर इसमें क्या करे, क्रिएट करे, तो वही लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी एंट्री मारी गवर्नमेंट सेक्टर ने, और मोनोपोली पावर क्रिएट नहीं होने दी बल्कि अपनी मोनोपोली बना ली उन्होंने। तो कुछ ऐसा हुआ 1970 से 73। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व ना होती ना, तो प्राइवेट सेक्टर आज हमारी इकॉनमी को कहीं ना कहीं सुधारने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। लेकिन गवर्नमेंट ने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, देखो यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी, गवर्नमेंट ने गलती की कि अब थोड़ा सा इंटरवेंशन उन्होंने अपना बढ़ा दिया, उन्हें लगा ऐसा ना हो प्राइवेट सेक्टर पनप जाए और फिर ये हम पे राज करना शुरू कर दे, यानी अपने लोगों को लेकर डाउट करने लगे। तो ये भी एक दिक्कत भरी बात रही, जिसके चलते ये फेज सिर्फ 3 साल तक चला, गवर्नमेंट ने फिर सारी चीज़ें कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, फिर वही पर आगे जहाँ पहले थे। अब फेज थ्री की बात करते हैं, 74 से लेकर 90 के बीच में क्या हुआ, यहाँ पर 1974 में, मैं इसके बारे में यहाँ लिख दूँ नीचे, ये यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 1974 के अंदर एक फेरा एक्ट लॉन्च किया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या हुआ कि हमने ये पाया कि अगर हम इंडियंस ही सारे काम करते रहेंगे तो हम ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे, हमें कहीं ना कहीं फॉरेन कैपिटल की बहुत ज़रूरत है। कि कोई बंदा, जैसे कि हमारी इंडिया है, हम चाहते हैं कि हमारी इंडिया की कंपनी में कोई बाहर की कंपनी, लाइक जैसे US हो गई, जापान हो गई, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये लोग आके हमारी कंपनी में क्या लगाए, पैसा लगाए। कुल मिला के मैं बात कर रहा हूँ FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। वैसे अभी कुछ क्लास के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास होगी ना ये वाली, इसमें आपको FDI और FPI दोनों के बारे में बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल डिस्कस
डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर इंडिया ने थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना हम फॉरेन कैपिटल को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराएं। अब जब फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी तो उसके लिए हमारे पास एक एक्ट होना चाहिए, तो हमने एक एक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट 1974। और इसमें सारे के सारे कानून लिख दिए कि अगर हम कोई हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स होंगे, कैसे करेंसी को कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने कोशिश की कि फॉरेन कैपिटल इंडिया में आए। लेकिन हम लोग बड़े चतुर थे, क्यों चतुर्थ है, क्योंकि भाई हम 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी सह चुके थे, तो इतनी आसानी से हम किसी फिरंगी को अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने नहीं देंगे। तो हमने साफ साफ बोला, ध्यान से सुनो मेरी कहानी को मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने साफ साफ बोला कि आप पैसों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप सोचो डॉलर, यूरो, पाउंड या जैपनीज येन, रेनमिनबी चाइनीज की, उसमें पैसा लगाओ, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं, पैसा तो लगा ही नहीं सकते हो। आप सिर्फ क्या लगा सकते हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी लगा सकते हो। अगर आप इंडिया में अपनी टेक्नोलॉजी लगाना चाहते हो तो यस, मोस्ट वेलकम है, बट आप पैसा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि पैसा लगाओगे तो आपकी स्टेक होल्डिंग मिल जाएगी, आपको ऑनरशिप राइट मिल जाएंगे, और हम नहीं चाहते आपको ऑनरशिप राइट देना। हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पर फोकस करो। अगर आप चाहते हो टेक्नोलॉजी पर फोकस करना, हम आपको बदले में पैसा देंगे, बट आपका पैसा हमारे इंडिया में नहीं आएगा, आपकी टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया में आएगी। आप बात को समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना ही चाह रहा हूँ, इंडिया वाले इतने सतर्क थे, इतना आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने पैसे वाली इन्वेस्टमेंट नहीं की, उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस किया ताकि हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी आ जाए और हमारी टेक्नोलॉजीज की वजह से इंडिया क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। आई बात समझे, ये था हमारा थर्ड फेज जो कि 1974 से 1990 तक चला। लेकिन यहीं पर हमें बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिले। हमने देखा कि इसकी वजह से जो हमारा BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव में आ गया, हमारे ऊपर लोन्स का जो बर्डन है वो बढ़ने लगा। फिर अल्टीमेटली 1991 में मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको IMF और वर्ल्ड बैंक यानी IBRD इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के पास जाके लोन लेना पड़ा और अपने अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने पड़े, जिसको बोलते हैं LPG, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब देखो, आपका बेस बना दिया, अब बुक से रीडिंग लगाओगे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो बुक से पढ़ो क्या लिखा है, बुक में भी ये चीज़ें लिखी हैं। फेज थ्री 1974 से 1990 के फेज में क्या था, गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया फेयर एक्ट, आप लोग फुल फॉर्म लिख लो, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। फेयर एक्ट को लॉन्च किया 1974 में, क्यों लॉन्च किया गया पहली बार, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी फॉरेन कैपिटल इंडिया में आए, और फॉरेन कैपिटल देखो साफ साफ लिखा है कैश के थ्रू ना आए, साफ साफ लिखा है, वो किसके थ्रू आए, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आए, और इन्वेस्टमेंट भी कौन सी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, पैसा नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उन्होंने साफ बोल दिया। और उन्होंने कहा कितना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 26%, मतलब 100 में से 26% की ऑनरशिप ले सकते हो फॉरेन कैपिटल के थ्रू, बाकी 74% की ऑनरशिप या स्टेक होल्डिंग इंडियंस के ही पास रहेगी। और उन्होंने इस तरीके से कोशिश की, रैम्परिंग का मतलब होता है बढ़ाने की, किसको, टेक्नोलॉजी को, ताकि हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो पाए। आई बात समझे, इस चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्राई किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, लेकिन उन्होंने दो तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। वो दो तरीके क्या हैं, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन लगाई कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो, बोले तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। देखो मैं कहता हूँ आप मेरे मकान में पैसा लगाओ, ये हुई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मैं कहता हूँ आप मकान में पैसा मत लगाओ, आप मकान में मटेरियल लगा दो, ये होती है इनडायरेक्ट। यानी कि हमने देखो उनको डायरेक्ट रूट नहीं दिया, हमने उनको इनडायरेक्ट रूट दिया कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे यहाँ पर FDI कर सकते हो। और हमने फॉरेन एंटिटीज में इंडस्ट्रियल एरिया में प्राइवेट सेक्टर की ओपनिंग शिप दे दी, और एक रेस्ट्रिक्शन के साथ, आप जानते हो कौन सी रेस्ट्रिक्शन, 26%। इस दो तरीके से हमने क्या किया, उन पर कंट्रोल करना शुरू किया। यानी कुल मिला के गवर्नमेंट इतनी डरी हुई थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो की उसने, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं की, पैसों में तो बिल्कुल भी नहीं की, उसने टेक्नोलॉजी में की। तो ये फेज था। आपको लग रहा हो सर ऐसा नहीं होना चाहिए, आज की डेट में देखो मल्टीनेशनल कंपनीज है, कितने सारे लोग अपना पैसा इंडिया में लगाते हैं। हाँ दोस्तों, आज का एरा अलग है, उस टाइम पर हम बहुत डरे हुए थे, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी हमारे अंदर समझ थी, ना इतनी सीख थी, 200 साल तक गुलाम रहे थे यार, जेल में बंद थे हम लोग, हमें नहीं पता था दुनिया में और तौर तरीके क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, इसके चलते हमारे पास उतने अच्छे नॉलेज और एक्सपीरियंस लोग नहीं थे, वैसे थे उस जमाने के हिसाब से, बट आज के जमाने में अगर आप देखोगे तो उतने एक्सपीरियंस लोग वहाँ तब नहीं थे, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि आपको इन्वेस्टमेंट के तीनों फेज समझ आ गए, ये जो आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, ये आप खुद पढ़ सकते हो, 1951 से प्लानिंग कमीशन ने स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इन्वेस्टमेंट मॉडल, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो वही हमारी जो प्रथा है उसको हम कंटिन्यू करते हैं और इस पर हम टिक कर देते हैं कि आज हमने इन्वेस्टमेंट मॉडल को कंप्लीट कर लिया। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है,
प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो बताओ आपको चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई दिक्कत होती है तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी फेसबुक आईडी के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस लिंक से हमसे जुड़ सकते हो डायरेक्टली। आप उससे डायरेक्टली अपने डाउट्स वाउट्स कुछ भी पूछना चाहते हो तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, आप पूछ सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक सीजी को भी डाउनलोड कर सकते हो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको कोर्सेज के अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. Milte next class mein, tab tak ke liye peace out.